मैं बना रही हूँ हम सबका फेवरेट और बच्चों का तो मोस्ट फेवरेट पिज़्ज़ा। आज हम बनाएंगे कॉर्न पिज़्ज़ा। इसके लिए ले रही हूँ मैं ये 250 ग्राम मैदा। आपको जितना पिज़्ज़ा बनाना है उस हिसाब से अपना डो तैयार कर लें, इतना ही मैदा ले लीजिए। और उसके लिए ले रही हूँ मैं 1 चम्मच ड्राइस्ड, 1 चम्मच शक्कर और आधा चम्मच नमक। आप अपना डो जितना बनाएंगे, जितना आपको पिज़्ज़ा चाहिए उसके हिसाब से आप इसके अंदर इस रेशियो को डाल सकते हैं। अगर आपको 2 पिज़्ज़ा के लिए बनाना है तो आप 500 ग्राम मैदा लीजिए और हर चीज़ डबल कर दीजिए। 2 चम्मच ईस्ट ले लीजिए, 2 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच नमक। तो इस तरह से आप रेशियो को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा सा हल्के से गुनगुने पानी में मैं इसका डो तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डालती जाऊँगी और हल्के हाथों से इसको गूंथती जाऊंगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक साथ पानी पूरा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इस तरह से एक स्मूथ सा डो बना लीजिएगा। ये देखिए एकदम बढ़िया सा स्मूथ सा डो बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर ऑयल लगाकर, ये जैतून का तेल है, इसको लगाकर मैं तकरीबन 3 से 3.5 घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। आपके पास जौन सा ऑयल हो आप वो लगा दीजिए और इसको रेस करने के लिए रख दीजिए। अगर गर्मी है तो ये जल्दी से खमीरा हो जाएगा, जल्दी से डो तैयार हो जाएगा, और सर्दी है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपका डो तैयार हो गया है, इसको आप बीच में चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह अच्छे से कवर करके मैं इसको साइड में रख दूँगी रेस करने के लिए। देखिए ये तकरीबन 3 से 3.5 घंटे के अंदर मेरा डो बन के पूरी तरह से अच्छे से फूल गया है। ये बढ़िया, ये एकदम बढ़िया सा स्मूथ सा हो गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए कि आपका डो तैयार हो गया है, फिर इसको आप निकाल के इस तरह से और थोड़े मलते हुए एकदम स्मूथ सा बना लीजिएगा। अब हम बना लेते हैं इसकी रोटी। उसके लिए लिया मैंने ये मक्का का आटा। मक्का का आटा से हमारी पिज़्ज़ा रोटी बहुत कुरकुरी बनेगी अच्छे से, एकदम टाइट। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसके मक्के के आटे से इसके डो को बढ़ाइएगा। तो इस तरह से डो को ऊपर से लेते हुए इस तरह लोई बना लेंगे आप। देखिए, और मक्के के आटे की मदद से हम लोग इसका अच्छे से एक बढ़िया सी रोटी बना लेंगे। आप चाहें तो वैसे ही हाथ से दबा दबा करके बड़ी कर सकते हैं या फिर बेलन से भी बेल के बना सकते हैं। आप रोटी का ध्यान रखिएगा, आपको जितना बड़ा पिज़्ज़ा चाहिए आप इतनी बड़ी इसकी रोटी तैयार करिएगा। और आपके पास जितनी बड़ी प्लेट या जिस चीज़ में आप बना रहे हैं जितना बड़े हो उसके हिसाब से आप इसकी रोटी तैयार करिए। अब रोटी बेलने के बाद हम इसको ये एक फॉक से अच्छे से इसको इस तरह से टोच लेंगे ताकि ये फूले नहीं और अच्छे से अंदर तक के सिक जाए। तो इस तरह निशान बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको तवे पर सेक लेंगे। हम बहुत ज़्यादा इसको नहीं सेकेंगे, चिट्टियाँ भी नहीं लगे तभी नहीं सेकेंगे, सिर्फ इतना सेकेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये रोटी बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा हम लोग इसको सेकेंगे, उसके बाद जब हम पिज़्ज़ा बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें भी ये अच्छे तरह सिक जाएगा। अब ये मेरी पिज़्ज़ा रोटी तैयार हो गई। दूसरे साइड मैंने एक कढ़ाई ले ली। आप इस तरह से एक चौड़े मुँह की कढ़ाई ले लीजिएगा और इसके अंदर इस तरह का कोई सा स्टैंड या कटोरी या छोटी सी प्लेट कुछ भी ऐसी रख दीजिए ताकि हम जब उसको पिज़्ज़ा रखें तो वो थोड़ा सा ऊपर रहे, उसके ऊपर नमक वगैरह भी नहीं आए और वो नीचे से जले भी नहीं। तो इस तरह से आप ये नमक रख के थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा वो कढ़ाई में अच्छे से फैला कर, और उसके बाद उसको स्टैंड रख दीजिएगा। स्टैंड या जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको रख कर और अपनी पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। चलिए इसको हम कवर करके प्री हीट कर लेंगे तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए हम लोग, और दूसरे साइड हम लोग अपने पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये प्याज, लाल शिमला मिर्च, येलो ग्रीन
शिमला मिर्च और कॉर्न लिए और ऑलिव लिए, और आपको जो सी सबसे पसंद हो आप वो ले सकते हैं। अब इस तरह के एक प्लेट लेंगे जिसमें हमारा पिज्ज़ा रोटी पूरी तरह से अच्छे से आ जाए। उसमें लगा लिया ये मैंने मक्खन, तो आप बटर ज़रूर लगाइएगा या तेल या घी जो भी आप लगा सकते हैं लगाइएगा, क्योंकि वो वरना वो चिपक जाएगी और अच्छे से पिज़्ज़ा निकल नहीं पाएगा। तो उसको नीचे से कुछ भी आप ऑयल ग्रीस कर लीजिएगा उसके ऊपर पिज़्ज़ा रोटी रखकर। और अब मैं ये चीज़ स्प्रेड डाल देती हूँ उसके अंदर, उसको स्प्रेड कर देते हैं पूरी तरह से। स्प्रेड चीज़ है, इससे पिज़्ज़ा का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और हमारा स्प्रेड भी हो जाता है अच्छे से स्मूथली। देखिए इस तरह से हम चीज़ स्प्रेड फैला देंगे। उसके ऊपर हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे इसके ऊपर। या अगर आपको तीखा पसंद है तो आप रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं इसके साथ में इसको। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मोज़ेला चीज़ डाल देंगे, इसको हमने कद्दूकस कर लिया था अच्छे से। आप जितनी ज़्यादा चीज़ डालेंगे उस इतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे चीज़ अच्छी ज़्यादा ही डालिएगा तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके ऊपर हम टॉपिंग कर देंगे सब्जियों की, ये रेड शिमला मिर्च है जिसे बेल पेपर भी बोलते हैं, ग्रीन येलो शिमला मिर्च डाल देंगे, आलू रख देंगे, प्याज रख देंगे और ऊपर से कॉर्न डाल देंगे। तो ये हमने पिज़्ज़ा की टॉपिंग कर दी सारी सब्जियों के, उसके ऊपर फिर से हम मोज़ेला चीज़ डाल देंगे। तो चीज़ जितनी ज़्यादा डालेंगे उतनी अच्छा टेस्ट निकल के आएगा, तो आपको जितनी चीज़ पसंद हो उतनी चीज़ डालिएगा इसके अंदर। देखिए इस चारों तरफ से अच्छे से चीज़ डाल देंगे हम। और ये साइड में हम लोग थोड़ा सा बटर लगा देंगे, इस तरह से हाथ से लगा दीजिएगा थोड़ा थोड़ा सा बटर, तो क्या होगा इससे कि हमारे पिज़्ज़ा साइड से नहीं चिपकेगा और अच्छे से निकल के आ जाएगा। तो आप हल्के से हाथ से इसके ऊपर बटर या ऑयल या जो भी अवेलेबल हो वो लगा दीजिए। चलिए हमारा ये कढ़ाई तैयार हो गई, ये प्री हीट कर ली थी हमने। अब हम इसके अंदर रख देते हैं अपना पिज़्ज़ा। ध्यान से रखिएगा क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो आपका हाथ नहीं जल जाए, इसलिए आप इस तरह से किसी भी संसी से या किसी की मदद से इस तरह रख दीजिए। और इसको वापस कवर करके रख देते हैं हम, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम 15 मिनट के लिए इसको रख लेंगे ताकि हमारी चीज़ अच्छे से पिघल जाए और ये हमारा पिज़्ज़ा भी पूरी तरह से बन जाए। ये देखिए 15 मिनट हो गए, ये मेरा पिज़्ज़ा पूरी तरह से बन के तैयार हो गया। और देखिए कितना यम्मी पिज़्ज़ा बना, कितना बढ़िया लग रहा है, उसकी चीज़ भी एकदम पिघल गई है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा बन के पूरी तरह से तैयार है, उसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने मनपसंद चीज़ वेजिटेबल से पिज़्ज़ा बना सकते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ये एकदम फ्री हैगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना और आपको मेरी कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आ रही है और मेरी रेसिपी में क्या कमी रह रही है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे पूरा इंतज़ार रहता है। तो चलिए इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ ऑर्गेनो, ये आपके टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और ये रेड चिली फ्लेक्स भी आप देखिएगा, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ना डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो तेज़ लगती और आपको पसंद है तो आप थोड़े से स्प्रेड कर सकते हैं इसको। तो चलिए खाइएगा, फैमिली को खिलाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स मच। फॉर मोर सच लिप स्मैकिंग रेसिपीज लाइक आवर चैनल, शेयर इट एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।